हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है आउट ऑफ द क्रैडल इनलेस रॉकिंग, जिसे लिखा था वॉल्ट विटमन ने। दोस्तों, इस पोएम में पोइट ने लाइफ साइकिल को दिखाया है कि किस तरह जिंदगी जी जाती है और अंतिम में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमें इस पर रोना नहीं चाहिए और कैसे पोएट अपने आप को हिम्मत देते हैं और उस बर्ड को भी हिम्मत देते हैं जिसका साथी बर्ड नहीं रहा होता है। ये तो हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन। आइए हम वॉल्ट विटमन के बारे में पहले जान लेते हैं। वॉल्ट विटमन का जन्म हुआ दोस्तों 31 मई 1819 में। यह यूएसए के बेस्टेस्ट पोएट्स में से एक थे। इन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे पोएम्स लिखे दोस्तों। इन्होंने द लीफ ऑफ ग्रास लिखा, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ लिखा, ओ कैप्टन माय कैप्टन लिखा, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड लिखा, जैसे कई पोएम्स लिखे जिनसे इनको अवार्ड मिला, द गोल्डन काइट अवार्ड। एंड लास्टली इनकी डेथ हो गई दोस्तों 26 मार्च 1892 में। दोस्तों, ये तो हो गया पोएट के बारे में। आइए हम पोएम को विस्तार से जानते हैं। पोएट जो है दोस्तों विटमन, वो अपने चाइल्डहुड की कुछ मेमोरियों को, अपने बचपन के यादगार दिनों को याद करते हैं जब उनकी माँ जो होती है उनसे बिछड़ जाती है और वो नहीं रहती इस दुनिया में, तब वो काफ़ी ज़्यादा उदास, अकेले और रोते रहते थे। वो सोचते रहते थे और पूरी ज़िंदगी उन्हें अकेली काटनी होगी, या वह सोचते थे। वो ऐसा सोचने लगे थे कि ज़िंदगी अकेले ही काटनी होती है, हमें किसी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, या लाइफ क्या है, एक दिन मुझे भी मृत्यु आएगी। उसके बाद एक दिन का बात है दोस्तों, वो बाहर निकले थे सी वेव्स नेचर को देखने के लिए। जब उन्होंने सी वेव्स, सी के स्ट्रॉन्ग वेव्स को देखा, वहाँ पे उन्हें एक पेड़ दिखा जिसमें दो लव बर्ड्स थे, दो चिड़िया थे दोस्तों। वो नाइटिंगेल चिड़िया गाना गा रहे थे जॉयफुल मूड में। वो दोनों नाइटिंगेल चिड़िया पेड़ पर चढ़कर गाना गा रहे थे और पोएट नीचे से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। वह उनमें खो गए थे कि तभी अचानक उन्हें घर जाना पड़ा। जब वह दूसरे दिन वापस आए उन चिड़ियाओं को देखने के लिए, तब वो देखते हैं कि सिर्फ एक ही चिड़िया है जो कि मेल बर्ड है, वही सिर्फ वहाँ बैठा हुआ है और वह इंतज़ार कर रहा है अपने फीमेल पार्टनर का, पर वो अभी तक नहीं आई है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और इधर उधर उसका सर्च कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा सर्च कर लेता है, तब भी उसे वह फीमेल चिड़िया, उसकी पार्टनर नहीं मिलती। तब वह मेल बर्ड काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो पेनफुल सॉन्ग्स स्टार्ट कर देता है। पोइट अभी सिर्फ 12 ईयर के हैं, पर वो बर्ड का पेन समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस पेन को सहा है उनकी मदर के चले जाने के बाद। इसके बाद जो पोइट होते हैं दोस्तों, वो खुद जाकर उन बर्ड, फीमेल बर्ड का क्लूज को ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलती, कोई भी क्लू उसका नहीं मिलता। तब पोइट समझ जाते हैं कि हो सकता है उससे किसी ने मार दिया, या वो खुद मर गई, या फिर वो वापस आ ही नहीं पाएगी कभी। इसके बाद दोस्तों, जो मेल बर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है और रोने लगता है, और उसी में वो नाइटिंगल सॉन्ग करने लगता है। पोइट पहले तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं दोस्तों, उसके बाद वो समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह रियलाइज़ कर लिया था कि डेथ जो होती है, जो मृत्यु होती है, वो न्यू लाइफ को बिगिन करती है और यह लाइफ साइकिल एक कड़वा सच है। और वो ये भी जान गए थे कि सिर्फ बॉडी मरती है, सोल नहीं, और वो सोल जो है वो अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ बन जाती है।
इसलिए हम डेथ को बिगिनिंग ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इंटरिंग करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ में। इसमें दोस्तों पोएट यह बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी के भी डेथ पे ज़्यादा वरिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दूसरी सोल की तरह वह भी चला गया अपने नए बॉडी की तलाश में। और यह एक लाइफ साइकिल है ग्रोथ एंड डेथ का। जो जन्म लिया है वो बढ़ेगा और उसे मृत्यु आएगी। यह एक कड़वा सच है, हमें इसे अपना लेना चाहिए। इसी में पोएट यह समझाना चाह रहे हैं। पोएट अब बिल्कुल भी दुखी नहीं है दोस्तों। 12 साल की उम्र में वह यह समझ गए थे कि यह सिर्फ एक लाइफ साइकिल है, इसलिए हमें किसी भी मृत्यु पे ज़्यादा वरिड नहीं होना चाहिए। हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि अब हम अलोन हैं, क्योंकि हम भी उसी लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। हम भी बढ़ेंगे, हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे और हमारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होगी। फिर हमारा सोल एक नए बॉडी को ढूंढेगा। अब दोस्तों पोएट जो है वो अपने पेन को भूल चुके होते हैं और अपने पास्ट के दिनों से प्रेजेंट के दिनों में आ जाते हैं, और पोयम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस स्टोरी की डिमांड ड्रिंकी ने की थी, मैं उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।